अरे भाभी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहां देखिए आरा सुनगा हुआ है, धाकड़ है, रोशन है, गोल्डन है, एक और तुच्छ मानस है। जो यहाँ पे पिंट पुत्ती है दोस्तों, हमारा बगैर पिंट पुत्ती रहता है। हाँ हाँ, पुत्ती रहता है कल्लू दास। जो काला है वो काला है, और जो गोरा है वो गोरा है। जिसको जलन हो रहा है जले, और जिसको जलन नहीं हो रहा है वो जाके चूल्हे में जाके चुप के मरे। आ इधर आओ रे, इधर आ, हो गया ढेर हो गया दोस्तों। इधर एक लड़का, बंद करा वीडियो, यहाँ खाना बना थी, नाटक होता है। ऑन कैमरा देखिए, इंसान पता नहीं कहाँ से पागल आया, बोल रहा है मार देंगे, मार के दिखाओ, देर से बस देखा, मार के दिखाओ, आप मार के दिखाओ, कल के बना थी कौन, मार के दिखाओ, कैसे बोला, मेरे घर के सामने कैसे घर बना रहे, मार दे, पकड़ना रे कैमरा पकड़। तो आज से 5 दिन पहले ही करवा चौथ का व्रत था, जिसमें कि हर महिला अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत रखती है। जो हमारा सुहाग है वो लंबी हो और हमारे पति की आयु हो, दीर्घ आयु रहे, और वो हमेशा ये महती है हमारे पति अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हमारा सुहाग अच्छे बना रहे। और यही एक गोरखपुरिया है जो अपनी पति ये लंबी उम्र के लिए नहीं, ये इसलिए करवा चौथ की व्रत रखती है, जो हे भगवान हमारे पति के लंबी उम्र दे, ताकि हम जो सब कही हमारे पति माने और हमारा इशारा पर नाचे। उस समय महादेव पूजा रहे थे, आरती उतार रहा था उनको सब लोग, और अभी देखिए वही महादेव है जो धुलाई खा रहे हैं। यार आज तक औरत को किसी ने नहीं समझ पाया, जब ईश्वर ने ही नहीं समझ पाया, खास ये तो महादेव बेचारा है, ये कैसे समझ पाएंगे जो कैसी होती है पत्नी। यार पता नहीं गोरखपुरिया भौजी को गोर पर कितनी घमंड है। अरे जिस समय लव मैरिज की थी उस समय क्या महादेव गोरा थे, तो अभी तुम कलुआ बोल रही है, तुच्छ मानस बोल रही है। यार महादेव का थोड़ा भी रिस्पेक्ट करो, ये तुम्हारा पति है, इस तरह बिहेव करते ये पब्लिक को बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल ना पसंद है ये बिहेव आपका। आप थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है महादेव का, बेचारा हर वीडियो में देखो तो महादेव बिल्कुल इंसान की तरह खड़े रहते हैं, इंसान की तरह मतलब अच्छे से बोलते हैं, और गोरखपुरिया का बोझ अपना एकदम घमंड में रहते, जो हम गोरा है वो कलुआ है, वो काला है हम गोर। यार क्या है काला और गोर, अरे ईश्वर ने ही काला गोर बनाया है, भगवान ने ही बनाया है, तो ये तो लोग इंसान है, ये तो खुद से थोड़ी ना काला और गोरा हो गया। और आपको कितना घमंड है यार, सच में आप बहुत घमंडी हो, किसी ने सही कहा था जो गोरखपुरिया बहुत बहुत घमंडी है, और मुझे अब विश्वास हो गया सच में गोरखपुरिया के पास बहुत घमंड है। यार ऐसे मत करो, पति ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, और आपको वीडियो में कितने उनको आप बेतमीज बेइंसल्ट कर रही हो आप, ये बिल्कुल ना पसंद है, आप ऐसे मत करो यार। आपको पब्लिक इतना चाहती है, प्यार करती है, तो आप अच्छे कंटेंट बनाइए, अच्छे वीडियो बनाइए, मतलब जो देखो मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा तो भी, उसको केयर ना करा तो भी, फिर भी महादेव बेचारा कहीं के नहीं रहते हैं यार, कैसा जिंदगी हो चुका है वो बेचारा का। बोलते हैं ना जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वही बात है गोरखपुरिया भौजी को, तुरंत में हार्ट अटैक आ जाता है जब, लेकिन जब तक रहे तब तक वो घमंड में ही रहती है। यार थोड़ा भी रिस्पेक्ट करो महादेव का। और दोस्तों आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।